नमस्कार। तो आज आप भारतीय एयरटेल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। भारतीय एयरटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिव मूव देखने को मिली कल। आज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी मूव को ऐड करते हुए स्टॉक में तेज़ी बनाई है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम अच्छे आएंगे तो स्टॉक ईजिली जो है एक अच्छी मूव बनाता हुआ नजर आएगा। बाकी रिसेंटली कोई खास अपडेट तो नज़र नहीं आ रहे रिगार्डिंग ब्रॉडकॉम स्टॉक। तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो है स्टॉक के अंदर थोड़े से वॉल्यूम अच्छे आ जाए, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यूस देखने को मिले। आज नया 52 वीक हाई भी देखने को मिला है भारतीय एयरटेल के अंदर। हमने पहले भी बात की थी कॉटो के नतीजे के पर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, और रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक जो है 1350 लेवल पे लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस लिया था। आज भी स्टॉक उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे क्वांटिटी के साथ आ जाएंगे तो स्टॉक इजीली 1350 को ब्रेकआउट देगा। वॉल्यूम वीक रहेंगे तो वहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। फिर से एक बार न्यूज़ की तरफ नज़र डालोगे तो रिसेंटली कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ की बात की जाए, इंडिया भारतीय हिट्स रिकॉर्ड हाई, ब्रोकरेज बुलिश आफ्टर क्वार्टर फोर के बाद जो ब्रोकरेज है वो बुलिश नज़र आ रहे। ब्रुकफील्ड इंडिया रेट टू बाय 50% स्टेक इन फोर भारतीय एंटरप्राइज एसेट। तो भारतीय एंटरप्राइज के एसेट्स है उनमें 50% स्टेक ब्रुकफील्ड खरीदने वाली है। बाकी कोई खास अपडेट रिसेंटली नज़र नहीं आ रही रिगार्डिंग भारतीय एयरटेल स्टॉक।